भाई साहब सुनो, रहे उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। आज हमने पूरी टीम को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम जो हमारे साथ काम करती थी, हमने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन करने का काम किया। चश्मे के निशान पे जुटाने का काम करो। आज किसान के लिए जिस तरीके से किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जिस तरीके से एक वाल्मीकि ये बड़े नारे लगाते हैं लेकिन एक भी वादा साथियों ने पूरा नहीं किया है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बारे में रैली में तब्दील होने का केवल एक ही कारण है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार से लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। जिस ढंग से इस प्रदेश की सरकार ने लगातार इस 10 महीने के कार्यकाल में जहां लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए थी, जहां लोगों की दिक्कत और कठिनाई को समझना चाहिए था, जहां इस लॉकडाउन के विश्वास जीतना चाहिए था, वहीं से गठबंधन की सरकार ने इस 10 महीने के कार्यकाल के अंदर 10 बड़े घोटाले करके तो दुखी और परेशान करने का काम भी किया। इसलिए अब लोगों ने मन बना लिया कि जब बड़ौदा का चुनाव 3 तारीख को होगा, 3 को जब बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपना वोट पोल करने जाएंगे, नए सिरे से इस प्रदेश में देश में चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू किया जा सके, इसके लिए अपनी एक एक मोर अनक के निशान पर लगा करके चौधरी देवीलाल की नीतियों को जिताने का काम करें। साथियों, अब समय आ गया है। आप जिसकी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से आम आदमी दुखी हुआ, परेशान हुआ, अगर मैं सबकी चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप काफी देर से बैठे हैं, मैं एक बार फिर पत्रकारों से कहना चाहूंगा, आज काम का बहुत बड़ा समय है। आज हर आदमी अपने खेत और खलियान के अंदर बहुत व्यस्त है। आज इस बड़ी संख्या में लोगों ने समय निकाल करके जहां विरोधियों के हौसले परस्त करने का काम किया है, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने यहां एक ताकत पार्टी को दे करके नए सिरे से पूरे देश में फिर से ये मैसेज दे दिया है कि आने वाला कल जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। तो घोटाले से मिलने आया था, उस वक्त में कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे यहां पे जो इस किस्म की बात करते थे कि ये केवल और केवल वोट काटने के लिए आ रहे हैं। खास करके हुड्डा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभय सिंह चुनाव लड़ने के लिए नहीं, अभय सिंह तो वोट काटने के लिए आ रहे हैं। आज आपने अपनी आंख से देखा है, हमने कार्यकर्ता का सम्मेलन बुलाया था और जो कार्यकर्ता का सम्मेलन था उसने जलसे का स्वरूप ले लिया। अगर सिरों की गिनती करी जाए तो उम्मीद तो पार्टी की हल्के की मीटिंग में 500-700 लोगों की जाती है, लेकिन यहाँ तो हजारों की तादाद में लोग थे। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हमने इस मीटिंग का फैसला लिया था
और आज जिस संख्या में लोग आए, जिस जोश के उत्साह के साथ आए हैं, इस बात से इस पे मोर लगती है आज कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको अपना प्रत्याशी बना करके भेजेगी, लोग उसको भारी बहुमत के साथ अपने यहाँ से जिता करके हरियाणा की विधानसभा में भेजेंगे। वहीं कांग्रेस, भाजपा और जजपा इन तीनों पार्टियों का सुपड़ा साफ करेंगे। मैं आज फिर आपके सामने एक बात कहता हूँ, उस दिन भी मैंने आपसे ये कही थी कि अब की बार इस चुनाव के अंदर भाजपा और जेजेपी का जो उम्मीदवार आएगा उसकी जमानत नहीं बचेगी, ना उसकी जमानत बचेगी,